हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बच्चों हम करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक कि किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन जो है उनका संगठन जो है हुआ और किस तरह से कांग्रेस जो है वो एक मध्यमार्गी पार्टी थी। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। उभरता हुआ राष्ट्र। अपने पहले 20 सालों में 1885 से 1905 तक कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। ठीक है, तो अपने जो पहले 20 साल हैं उसमें कांग्रेस जो है वो क्या थी, उसके जो उद्देश्य थे, उसके जो तरीके थे, उनके लिहाज से वो एक तरह की मध्यम मार्गी पार्टी थी। ठीक है, यानी जो बीच में मध्यस्थता का काम करती थी। और उनको ये भी लगता था कि अंग्रेज जो उनके आदर्श हैं स्वतंत्रता और न्याय को लेकर, वो उनका सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्याय उचित उनकी मांग जो है वो मान लेंगे। उनकी जो प्रमुख मांगे थी उनको दो भागों में बांटा गया है, राजनीतिक मांगे और आर्थिक मांगे। देखिए राजनीतिक मांगे क्या थी उनकी, विधान परिषद जो हैं उनमें भारतीयों को ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, जो परिषद है उनको ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन होना चाहिए। ठीक है, ये क्या थी उनकी राजनीतिक मांगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मांग थी उनकी, सिविल सेवा जो परीक्षा होती है उसमें लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग की गई, ताकि देखिए सिविल सेवा जो परीक्षा होगी उसमें, यानी जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सेवा जो परीक्षा है उसमें लंदन के साथ साथ भारत में कराए जाने की मांग का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो ऊंचे पद हैं उन पर जो है भारतीय वो भी जो है उनको पदों को ग्रहण कर सके, उन पदों पर बैठकर अपनी राय दे सकें। नेक्स्ट क्या था, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए, और जो आर्म्स एक्ट है उसको निरस्त करना, अभिव्यक्ति में बोलने की स्वतंत्रता। तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था आर्म्स एक्ट क्या है। ठीक है, तो उसको उन्होंने एक तरह से कहा कि वो निरस्त होना चाहिए और उनको भी अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आर्थिक मांगों की। आर्थिक मांगों में सबसे पहली जो बात थी वो क्या थी, लगान कम किए जाना, तो जो लगान है उसको कम किया जाना चाहिए, फौजी खर्चे उनमें कटौती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग की गई। नेक्स्ट है जो वन कानून है उनमें सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम, तो जो विदेशों में जो भारतीयों के साथ मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था उसको जो है रोका जाना चाहिए। तो ये जो है उस समय की कांग्रेस की मांग थी। उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता ना होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कांग्रेस थी उस समय उसका जो उद्देश्य था वो स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि जो शासन प्रशासन है उसमें वो सुधार जो है वो चाहते थे, वहीं तक वो सीमित थे। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके, तो जो उपरोक्त मांगे हैं राजनीतिक और आर्थिक जो मांगे हैं इनको कांग्रेस ने सरकार के सामने जो है वो किस तरह से रखा, यहाँ पर उसके तरीके दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, अखबार के द्वारा। तो अखबार के द्वारा उन्होंने अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी, अखबार में इन सब चीज़ों को जो है उन्होंने छपवाया। नेक्स्ट है लेखों के द्वारा। ठीक है, लेखों के द्वारा उन्होंने ये कार्य करने की कोशिश की, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके। तो जब भाषण जो है देते थे तो अंग्रेजी सरकार के जो कानून है, चाहे वो आर्म्स एक्ट है, ठीक है, तो उन कानूनों की निंदा करके उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की बात की। नेक्स्ट, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास, तो यानी जो जनता है उनके बीच में से लोगों को चुनकर और समूह संगठन करके भी उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखने का जो है ये एक तरीका जो है यहाँ पर अपनाया था। नेक्स्ट है आवेदन प्रतिवेदन द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुँचाना, तो जो आवेदन है उनके द्वारा भी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह हमारी बात वो सरकार तक पहुँचे। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। तो हमने देखा कि आरंभिक वर्षों में जो है विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग की है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग की। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर।
यहाँ से आप आंसर करेंगे, मेरे विचार में आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह देने की मांग इसलिए की होगी ताकि भारतीय विधायकों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके अपनी जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाने के लिए, तथा साथ ही साथ बजट में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान वो निभा पाए। ठीक है, तो वो चाहते थे कि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले, चाहे वो सिविल जो परीक्षा थी उसमें उनको जो है उसमें उन्होंने मांग की, या कांग्रेस ने जो है विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह देने की मांग की। उनका मेन एम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को मौका मिले अपनी जो समस्याएं हैं वो कांग्रेस वो जो है अंग्रेजों के सामने रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न दो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है, हर किसी को अपने विचार रखने की जो स्वतंत्रता है, उसकी मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग थी, क्यों? सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करेंगे। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही प्रमुख मांग थी, क्योंकि इसके बिना आम आदमी अपने विचार जो है वो स्वतंत्रता से बिना कानून के डर के सरकार के समक्ष नहीं रख सकते थे, क्योंकि अगर उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक वो अपने विचार नहीं रख पाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि उनको ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो मिले, ताकि सब लोग अपने अपने जो व्यूज़ हैं वो सरकार के सामने रख पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न तीन है, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? तो कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया, बहुत अच्छे से बेटा आपको आंसर दिया गया है। देखिए ये सारे जो है पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो नंबर वन पॉइंट अखबार के द्वारा, नंबर टू लेखों के द्वारा, नंबर तीन भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके, नंबर चार जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास, और नंबर पांच पॉइंट आप लिखेंगे आवेदन प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना। तो ये पांच पॉइंट जो है इसमें आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर थ्री के आंसर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए। तो जो उसके आरंभिक तरीके हैं उनको मध्यम मार्गी कहा जाता है, उसको आपको बताना है कि किस तरह से उन्होंने ये मांगे रखी। उनको लगता था कि सरकार उनके उनके जो आदर्श हैं वो मानती है, उनकी आदर करती है, इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखे, तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, मध्यम मार्गी कहा गया। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को मध्यम मार्गी कहा जाता है क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्याय उचित मांगों को मान लेंगे, और उनके आंदोलन को मध्यवर्गीय इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य देश की स्वतंत्रता नहीं बल्कि शासन में सुधार करना था। तो ये जो है आप यहाँ से आंसर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फोर का। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।